वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल गाइस। आज मेरा स्पेशल सफ़र है होपर वैली का। मुझे आखिरकार एक स्पॉट मिला, यहाँ पे चेरी बिकी जाती है। थोड़ी सी चेरी यहाँ से लेते हैं। बेटा चेरी कितने का है? 200 का। आपको बड़ी अच्छी चेरी यहाँ मिलेगी इस कराकोरम हाईवे के आसपास। कितनी स्पेशल चेरी है, उसका कलर भी बिल्कुल ब्लैक है और बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश चेरी। क्या बात है, बड़ी मज़े की चेरी है गाइस। वाह, Czech Republic, former Czechoslovakia, Europe. You are doing very marvelous travel with such type of cars. Yeah, yeah. Now we're going back to Europe. We crossed it in Atari border crossing. Oh. Now going to China. We ship the cars from Europe to Kerala, Kochi, in South India, and now going through Nepal, good. Back to India, now Pakistan. Okay. And that's good. Have a nice journey. Okay, thank you. Thank you. Bye. How was your first experience to travel Pakistan? This is the worst car you can travel with. Oh, it's a good car, I think. No. Need to find something. Okay, so do you enjoy this traveling type of traveling? Sure. What's your last journey, last destination? We go to Gujarat and then to China. And then? Then to Kyrgyzstan. Yeah, here is the list of countries. Look here, this is the list of countries where these guys have to travel. It's really amazing. Okay, have a nice journey. Thank you very much. Guys, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी सी थकावट हुई, मैंने रेस्ट किया है, तो अभी हमारे सामने खाना आया है, तो अभी खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर में आपको हम इस होपर वैली की टूर करवाएंगे। ज़्यादातर टूरिस्ट वो पॉपुलर स्पॉट्स पे चले जाते हैं, जैसे थोड़ा दूर ये हुंजा है यहाँ पे, वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन फिर ये स्पॉट मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, प्रमोशन नहीं हो रही सही तरह। हाँ, तो नहीं, इंशाल्लाह भी आहिस्ता ही होगी ये प्रमोशन। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, कुछ बोल दो। ऐसा पहले नहीं देखा था, हमें पता ही नहीं था कि ऊपर इतना रहने करने की भी जगह और बनी हुई है। जी, तो हम तो हुंजा में रुकने वाले थे, लेकिन अब ये सब कुछ देखा तो प्रॉब्लम यही। और माशाल्लाह यहाँ होटल भी बना है, देखिए। देखते ये जो टूरिस्ट हैं, इनसे बात हुई और ये बता रहे थे कि हमने टूर किया पूरे गिलगित बल्तिस्तान का, और ये स्पॉट जहाँ पर अभी हम आए हैं, ये तकरीबन हम मिस करने वाले थे। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे खूबसूरत जगह हैं जो टूरिस्ट को पता ही नहीं है और मिस करके चले जाते हैं, और पहले से जो ज़्यादा प्रमोट हैं, जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं यहाँ वादी नगर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अनएक्सप्लोर हैं टूरिस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये जगहें एक्सप्लोर होंगी और टूरिस्ट एंजॉय करेंगे, आई होप। गाइस, ये शायद यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पर काम तो नहीं करते? नहीं, ट्रैवल गाइड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो आप काम करें ना यूट्यूब पे, कर लेंगे वो भी इंशाल्लाह। जब वीडियोस ही आप बनाते हैं तो आप डालें यूट्यूब पे, अपलोड करें, व्यूज लाएं? नहीं, असल में बेसिकली मेरा बड़ा भाई है यूट्यूबर है, शारिक रजा नाम है, तो मैं बस सिर्फ अभी ट्रैवल के लिए निकला हूँ, तो दैट्स व्हाई। आप मेरे बैक साइड पे देखें, यहाँ पर एक अच्छा सा होटल अभी बना है, और ये नया अभी न्यूली एस्टैब्लिश एक होटल है। Oh,
मुलाकात हुई और बाय द वे हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आ गए। जी जी जी, इस बार ऊपर ये देसर वैली और गप्पा वैली मैं यहीं से, बल्कि आपकी वीडियो देख के इंस्पायर हो गई, वीडियो देख के मैं जो इंस्पायर हो गया। मैं तो ये वैली बहुत अच्छी लगी हमें, उसके बाद जब यहाँ पे आए तो वैली के अंदर देखो, वैली देखी क्योंकि ये होटल है। अच्छा, तो इसीलिए हम सब फैमिली मेम्बर्स काफ़ी थे, फैमिली वाले प्रेफर करते हैं ऐसा होटल हो जो अच्छा भी हो और फैमिली ट्रैवल भी अच्छा हो। मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द सेकेंड डे इन होपर वैली। सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके बाहर आया हूँ। सुबह का जो मंज़र है यहाँ पर वैली में, दैट्स वेरी ऑसम। धूप तो निकली है लेकिन बड़ा मज़ा आता है धूप पे बैठते हुए, और सुबह का मंज़र बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ सुबह का सीन होपर वैली का। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी वीडियोस देखे, फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर हम आ गए। यानी कि आपकी वीडियोस ने बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा था उसमें हमारे डिसीजन मेक करने के लिए, और हम रिग्रेट नहीं करते क्योंकि जब से हम आए हैं हम बहुत खुश हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इन वैलीज को। मतलब जब तक आपने प्लान बनाया था इस नगर वैली के बारे में आपको नहीं पता, नगर वैली के बारे में वीडियो में आपको अच्छी कोई जगह नज़र आई जी, लेकिन नगर वैली है इस तरह की जगह है नहीं पता, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन जब आप इधर आए होपर वैली में फिर पता चला कि एक नगर वैली है। नगर वैली है जी, बिल्कुल एक खास जगह है जिसमें आपका टेम्परेचर क्लाइमेट बहुत ज़बरदस्त है। आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नगर वैली आएंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे और बिल्कुल आप दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। देखा आप अपने हाथों से काम करते हो, इसलिए ये आपकी जो टीम है ये भी अपने हाथों से आपसे भी ज़्यादा बढ़ के करने की कोशिश करती है। मुझे किसी का याद नहीं है आपके अलावा, माशाल्लाह जिसको जब बोला वो भाग के बेचारा आया। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह उसी टाइम एक बार भी ना, एक बार बोला हमारी चीज उसी टाइम पे आ गई। आप लोग ने जो प्यार मोहब्बत दिखाया, यानी कि उसके लिए अल्फाज नहीं, और नेक्स्ट टाइम, और आपने बिल्कुल हमें ऐसे लगा जैसे हम फैमिली हैं, फैमिली में हैं। दिस इज द सनी मॉर्निंग फ्रॉम होपर वैली एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दिस ग्लेशियर। इट विल टेक 20 मिनट्स टू रीच देयर। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पहाड़ी पे, एक टेले पे, जो कि यहाँ पे बैठ के आप आसानी से व्यू कर सकते हैं। ये कपल पीक है और उसके साथ जो ऊपर ग्लेशियर है, तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है जहाँ आप बैठ के पूरे ग्लेशियर को वहाँ से बैठ के नज़ारा कर सकते हैं। तो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट स्पॉट। मैं टेले पे पहुँचा हूँ। ये यहाँ से नीचे कितनी गहरी खाई है, ओ माय गॉड। बट गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ से आप इजीली इस ऊपर ग्लेशियर का व्यू आप कर सकते हैं। Look here, so nice. I've started my journey towards the glacier. This is the route जिसके जरिए से आप नीचे ग्लेशियर तक पहुंच सकते हैं। Okay guys, बिलाकर हम पहुंच गए इस ग्लेशियर के सरफेस पे। You can't imagine how this environment is amazing. यहाँ पर टेम्परेचर इतना लो है कि we are feeling too much cold. हवा की ऐसी ठंडी ठंडी लहरें चलती हैं। It's very difficult to walk on this glacier. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको उस altitude पर लेके जाता हूँ जहाँ से आपको
हर तरफ से ग्लेशियर का व्यू नजर आएगा। स्टे विद अस। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ इस ग्लेशियर के ऊपर चलना कितना मुश्किल काम है। मैंने थोड़ी कोशिश की इस ग्लेशियर के ऊपर चल के थोड़ा सा आगे जाने की, लेकिन गाइस जिस तरह का ये शेप है ना इस ग्लेशियर का, तो इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉक ऑन द ग्लेशियर, क्योंकि दो ग्लेशियर्स के दरमियान जो है ना बड़ी बड़ी खाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आप चलने की मज़ीद कोशिश करेंगे तो उस खाई में गिरने का भी खतरा होता है। लिहाजा जब भी आप आए ऊपर ग्लेशियर तो आप एहतियात से चलें। ये जो ग्लेशियर है ना इसके नीचे जो है ना हमेशा हर जगह पानी जो है ना मूवमेंट करता रहता है। बाज़ जगह पे अगर आप बैठ के गौर से सुनेंगे तो ये ग्लेशियर के नीचे जो पानी के चलने की जो आवाज़ है ना क्लियर आपको नज़र आएगी, तो आप ज़रा नोटिस कीजिए, मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। ये वाला रास्ता है जो ग्लेशियर से वापसी का, ये देखें इसी रास्ते से अभी हमने जाना है आगे, यहाँ से ऊपर उस टॉप पर चढ़ के दोबारा ऊपर वैली हमने पहुँचना है। Look at this guys, just coming back from the glacier. Aisa laga route aapka? It's really hard. Back ka to bahut mushkil hai. It was really hard. With lots of stamina, your cardiac power for it. Guys, the travel was very tremendous. Glacier dekhna guys ek badi hai, ek amazing cheez hai. The way the glacier looks is very amazing. जो लोग हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह का ग्लेशियर का इन्वायरमेंट है, जिस तरह पर वहाँ ठंडक है, जिस तरह का वहाँ का लुक है, वो देखने के बाद, व्यू करने के बाद वापसी का जो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है वो मेरे ख्याल में किसी को मुश्किल नहीं लगेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ थम्स अप दिस वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।